हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। इट्स वीडियो नंबर 4 एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दैट फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है कोई भी नंबर में, ए दीज आर ऑल द सर्टन डिजिट प्लस वन अनसर्टन डिजिट। अगर सिग्निफिकेंट फिगर की एक खास डेफिनेशन देखी जाए तो इस तरह से होती है कि भाई एक सर्टन डिजिट होगा ही, उसके साथ कुछ अनसर्टन डिजिट भी होंगे। अगर इसको ठीक से समझना है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि सपोज एक मास है, एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास जो है वो 9.265 ग्राम आया है। मतलब उसका मास एक्यूरेटली इतना है 9.265 ग्राम, और जो एक्यूरेसी है आपके एनालिटिकल बैलेंस की, मतलब जिस पे उसका वेट किया गया है, उस एनालिटिकल बैलेंस की एक्यूरेसी 0.001 ग्राम इतनी है। मीन्स मास मे बी 9.264 ग्राम और इट मे बी 9.266 ग्राम, मतलब प्लस 0.001 या माइनस 0.001 हो सकता है, क्योंकि उस एनालिटिकल बैलेंस की जो है वो लगभग एक्यूरेसी इतनी है 0.001। तो इससे 0.001 लेस हो सकता है या उससे 0.001 ग्राम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए यहाँ पे दो वैल्यू दी है, जिसमें एक वैल्यू 0.001 ग्राम कम है जबकि दूसरे में 0.001 ग्राम ज़्यादा है। तो अब पहले जो थ्री डिजिट है, दैट इज़ 9.26, ये फर्स्ट थ्री डिजिट 9.26, ये सभी सर्टन है, क्योंकि आप देखो ये तीनों वैल्यू देखो, इन तीनों वैल्यू में वो आ रहे हैं 9.26। दीज आर ऑल सर्टन डिजिट, सिर्फ जो लास्ट डिजिट है वो अनसर्टन है, और यही सिग्निफिकेंट, दिस इज डन इन सिग्निफिकेंट फिगर, और यही चीज़ सिग्निफिकेंट फिगर में की जाती है। मतलब दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर आर ऑल द सर्टन डिजिट। ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसे नंबर होते हैं जिसमें मोस्टली सभी सर्टन डिजिट होते हैं, उसके साथ वन जो होता है वो अनसर्टन डिजिट होता है। इसका मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, उस एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा दैट देर इज़ अ वन, यू कैन से टेक वन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मास वन करेक्ट फिगर इज देयर गिवन एंड एनालिटिकल बैलेंस एक्यूरेसी इज ऑल्सो देयर गिवन। सो देयर आर टू फिगर्स फॉर दैट वन। इन वन वी फाइंड दैट देयर इज अ 0.001 प्लस वैल्यू एंड दैट मे बी 9.266 ग्राम, and in minus 0.001 gram minus we can take that because of the accuracy, it may be plus, it may be minus. So the first three digit you can say that here, here and here, first 9.26 these are all certain and last digit is uncertain. You find here is a 5, here is a 4 and here is the 6. So this last digit is uncertain and these all things are coming in significant figures. Now there are some rules. Whenever you are determining significant figures, there are some rules and these rules are here one by one. I will explain to it. First rule is here that all non-zero digit are significant. Jitne bhi non-zero hai digit, these are all significant. Agar example lo, to yaha pe 3.142 aata hai. तो आप देख लो यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, सभी आपके नॉन जीरो नंबर है, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा दैट आर 4। इसी तरह से आप 5.4 देखो, इसमें नॉन जीरो डिजिट है सभी, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 2। अब दूसरा रूल है यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने दैट सेकंड रूल इज हियर, जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं उनके बीच में जब आप जीरो लो तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट आएगा। इसके लिए एक एग्जांपल दिया है उन्होंने, जैसे 3.01 ले लो,
थ्री और वन नॉन जीरो है और इन दोनों के बीच में आया जीरो, राइट? सो जीरो बिटवीन द नॉन टू नॉन जीरो डिजिट. तो थ्री और वन नॉन जीरो है, इसके बीच में आया जीरो, तो वो भी सिग्निफिकेंट आएगा. इसलिए आप काउंट करोगे वन टू थ्री और इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा थ्री. और एक एग्जांपल 2.005, टू और फाइव नॉन जीरो नंबर है, डिजिट नॉन जीरो डिजिट, इनके बीच में दो जीरो आए हैं. तो अगर आप काउंट करो तो वन टू थ्री फोर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा फोर. इसलिए जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अब थर्ड रूल दिया है उन्होंने, द जीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट. मतलब जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है उसके आगे वाला जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता. इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ 0.324, तो यहाँ पे देखो ये नॉन जीरो थ्री नंबर है, इसके प्रीसीडिंग मतलब आगे वाला एक जीरो है, लेकिन हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेंगे, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वन टू थ्री, दैट आर थ्री. इस जीरो को हम काउंट नहीं करें. उसी तरह से देख लीजिए आप, 0.0052 है, इसमें फाइव आपका नॉन जीरो डिजिट है, उसके आगे प्रीसीडिंग जितने भी जीरो है लेकिन वो सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आएंगे, इसमें सिर्फ दो नंबर आएंगे, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट आएगा सिग्निफिकेंट फिगर टू. इसी तरह से 0.0003, इसमें भी देखिए थ्री जीरो आए हैं लेकिन ये नॉन जीरो डिजिट के आगे आया है, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में और इसका आएगा सिर्फ वन. सो दिस इज द रूल नंबर थ्री. नेक्स्ट रूल नंबर फोर, ऑल जीरोज प्लेस एट द एंड और टू द राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट. जितने भी आप जीरो एट द एंड में रखोगे या फिर कोई टू द राइट ऑफ द नंबर, इस नंबर के आपके राइट साइड में आप रखोगे, ये सभी सिग्निफिकेंट है प्रोवाइडेड दे आर ऑन राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में होना चाहिए, तब आप जितने भी जीरोज रखते हो एट द एंड ऑफ द नंबर, एक नंबर के एंड में, वो सभी सिग्निफिकेंट आएंगे. सिर्फ एक कंडीशन है कि वो सभी राइट होने चाहिए ऑफ द डेसिमल पॉइंट. जैसे यहाँ पे देख लीजिए 0.0200, ये आगे वाले जीरो प्रीसीडिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये आपका नॉन जीरो डिजिट है टू, उसके राइट साइड में है दो जीरो और वो डेसिमल पॉइंट के भी राइट साइड में है, इसीलिए हम इन टू वन और ए थ्री, मतलब टू का नंबर वन टू थ्री, ये तीन आएगा उसका सिग्निफिकेंट नंबर. इसी तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे 243.0, तो तीन नंबर तो है लेकिन उसके राइट साइड में जीरो आया है और वो डेसिमल पॉइंट के भी राइट साइड में है, तो ए भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा 1, 2, 3, 4, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4. नेक्स्ट फिफ्थ में, अगर इन एक्सपोनेंशियल नोटेशंस द न्यूमेरिकल पोर्शन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. If you taking any number which are in exponential notation, means in the power form, then the numerical portions, जो numerical portion आएगा, that represent the number of significant figures. जैसे मैं एक example से आपको बता सकती हूँ, 0.0000054 है. इसको अगर हम इस power में exponential form में लिखेंगे तो 5.4, आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4 और 5 हाउस हम राइट साइड में आ रहे हैं, इसलिए हम 10^-5 पॉइंट देंगे. ये रूल हमने ऑलरेडी देखा था, तो 5.4 आया और उसके बाद 10^-5. इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है, मतलब इसको हम कोई सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं देखते, हम सिर्फ इसको देखते हैं और यहाँ पे दो नंबर है इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 2. इसी तरह से और एक आप देख लीजिए, जैसे एवोगाड्रोज नंबर है 6.022 10^23.
सो एक्सपोनेंशियल नोटेशन जो है इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई ये नहीं है, सिर्फ हमारे जो डेसिमल फॉर्म में दिए हुए नंबर है जहाँ पे देख लो 1, 2, 3 ये नॉन जीरो डिजिट है, उनके बीच में जीरो आया है इसलिए वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो 1, 2, 3, 4 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर आया आपका 4। सो दीज आर द ऑल 5 रूल्स विच वी हैव टू बी जस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन। अब आता है थोड़ा सा कैलकुलेशन, अगर हम देखेंगे कि कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर इसके बारे में हम क्या बात कर सकते हैं, जरा देख लीजिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसके लिए कुछ रूल्स है, अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का कुछ कैलकुलेशन करना है तो क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए। तो रूल्स नंबर 1 दिया है, व्हेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज टू बी कैरिड आउट, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसका कैरिड आउट करते हैं तो द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन द टर्म्स हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। इसका मतलब क्या है, वन बाय वन हम उसको देख लेते हैं। पहले कि जब भी हम किसी नंबर्स का जैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैरिड आउट किया जाता है हमारे जो भी डेसिमल हमें फिगर्स दी है उनका, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम फाइनल रिजल्ट में कब तक हमें उसको एक्यूरेट करेक्ट आंसर लेना है, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन द टर्म्स हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लोगे तो उसको एक्सप्लेनेशन का हम बराबर इसका दे सकते हैं। जैसे 7.23 3 इसका सिग्निफिकेंट नंबर है 3, दूसरा मैंने लिया 2.1 जिसका सिग्निफिकेंट फिगर है 2, और थर्ड वन है 0.2132 तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो ऐसे हमारे पास 3 नंबर है, हम इसकी एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन करेंगे तो देख लीजिए 9.542 आता है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, क्या ये पूरा लेंगे, तो नहीं, इन इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसका सिग्निफिकेंट है 2, इस नंबर का सिग्निफिकेंट है 3, तो हमें इन तीनों नंबर में से जिसका डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट है जैसे 2 है तो हमारे आंसर का भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 9.5 बराबर है, क्योंकि हमारा यहाँ पे दिया है रूल कि द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मतलब उसका हम रिपोर्टिंग उसी डेसिमल पॉइंट तक करेंगे एज आर प्रेजेंट इन द टर्म्स हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मतलब जितने भी नंबर दिए हैं उसमें से जिसका लीस्ट डेसिमल नंबर आएगा उस मतलब सिग्निफिकेंट नंबर भी इसका लिस्ट होगा उतना ही आपके आंसर में भी होना चाहिए। जैसे एडिशन के लिए है उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। अगर मैं यहाँ पे दो नंबर ले रही हूँ जैसे 25.4630 इसका आपका सिग्निफिकेंट फिगर आप देख रहे हो 6 है, दूसरे वाले नंबर का 24.21 इसका सिग्निफिकेंट फिगर नंबर है 4, राइट। तो आप देख लीजिए कि इसमें से लीस्ट वाला ए है, मतलब आप जब सब्ट्रैक्शन इन दोनों नंबर की करेंगे जिसका आंसर है 1.2530 तो करेक्ट आंसर हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट में आपका तब तक ही सेम नंबर आना चाहिए डेसिमल प्लेस एज आर प्रेजेंट इन नंबर्स हैविंग लीस्ट नंबर, मतलब इन दोनों नंबर में से आप देख रहे हो कि आप फाइनल आंसर में भी आप तब तक ही डेसिमल पॉइंट लोगे कि जिन दो नंबर के आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो उनमें से जिसका लीस्ट होगा, तो दो नंबर वाले का सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट है तो इसका भी आंसर में आप लोगे 1.25। जैसे यहाँ पे भी देख लिया आपने इसका 2.1 1 डेसिमल पॉइंट तक था इसलिए आंसर में भी हम 1 डेसिमल पॉइंट तक ही आंसर लिया, यहाँ पे भी आपका करेक्ट आंसर आएगा 1.25। तो इस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के यहाँ पे रूल दिए हैं। अब दूसरा रूल आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। तो इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एज आर प्रेजेंट इन टर्म्स विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो
आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा कि जैसे दो नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो आपका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को आपका करेक्ट आंसर मतलब कैसे होगा, तो आपको यहाँ पे इसका एग्जांपल से ज़्यादा पता चलेगा। जैसे 5.1024 दिया है, तो आप इस नंबर का देखो तो सिग्निफिकेंट नंबर आता है 5, और दूसरा नंबर दिया है 1.30 जिसका सिग्निफिकेंट फिगर है 3 सॉरी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपका ए आता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको ये पूरा नहीं लेना है, इन दोनों नंबर में से जिस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट है, मतलब आप देख लो इसका 3 है, तो आपका आंसर भी आपका 6.63 ही आएगा। देखिए यहाँ पे आंसर दिया है उन्होंने 6.63, मतलब आपके आंसर में आपको इस तरह का सिग्निफिकेंट लेना, इतना ही डेसिमल लेना है कि दोनों में से जिस नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वही आपके आंसर का भी आएगा। उसी तरह से डिवीजन में भी आप देख लो, ये आपके दो नंबर दिए हैं, पहले नंबर का सिग्निफिकेंट नंबर 5 है, दूसरे नंबर का 3 है, तो जो भी आप डिवीजन करोगे तो आपका आंसर ये नहीं आएगा, इसमें से इस नंबर का सिग्निफिकेंट नंबर फिगर जो है आपका 3 है, तो आंसर को भी आपको 4.22 तक ही लिखना पड़ेगा। सो थैंक यू।